रायबरेली में टला बड़ा हादसा, चलते ट्रक में अचानक लगी आग, देखते ही देखते ट्रक बना आग का गोला, ड्राइवर व क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। मामला खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहस्था गांव के पास का है, जहां हाईवे पर गुड़गांव से सामान लादकर उड़ीसा जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक पूरा ट्रक आग के गोले के रूप में तब्दील हो गया। किसी तरह ड्राइवर व कंडक्टर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका था। रायबरेली में विश्व पर्यावरण दिवस एवं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया एवं रायबरेली हैंडलूम मेले के संयोजक राकेश गुप्ता द्वारा 31 किलो लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर राजू खान, अशफाक नकवी, प्रेम प्रकाश सिंह भगवाधारी, मरुड़त त्रिपाठी, संजय श्रीवास्तव, पंकज साहू आदि लोग मौजूद रहे। राकेश गुप्ता और उसके बाद पंकज साहू जी वार्ड नंबर 31 के सभासद, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का तिलक कर रहे और इन्होंने एमपी में राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर में कांग्रेस कार्यालय का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कर कमलों से किया गया। इस दौरान विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले दिग्विजय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार में शासन प्रशासन नहीं धंधा चल रहा है, वह भी कमीशन का। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का सबसे बड़ा कांड व्यापम घोटाला रहा, जिसके कारण मंत्री भी जेल जा चुके हैं। व्यापम की सही जांच हो तो जांच की आंच शिवराज तक भी पहुंच सकती है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उज्जैन महाकाल लोक मूर्तियों के मामले में 80% कमीशन खाया है। दिग्विजय सिंह ने महाकाल लोक मामले में कहा कि गुजरात की कंपनी को ठेका देकर पत्थर की मूर्तियों की जगह फाइबर की मूर्तियां लगवा दी, जिन्होंने महाकाल लोक निर्माण कमीशन खाया उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस शासन की योजनाओं पर बोलते हुए कहा कि हमने पंचायती राज दिया, किसानों को फ्री बिजली दी, गरीबों को एक बत्ती कनेक्शन दिए, लेकिन भाजपा सरकार ने वे सारी सुविधाएं छीन ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रास्ते में जगह जगह स्वागत देख लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए महीना सम्मान निधि के साथ बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ रेट में दी जाएगी। ओल्ड पेंशन भी बहाल कर दी जाएगी। भाजपा ने भ्रष्टाचार को एक नया स्वरूप दे दिया। यहां शासन प्रशासन नहीं चल रहा, धंधा चल रहा है, हर चीज में कमीशन है, हर चीज में व्यवसाय है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। अगर आप देखेंगे जैसे ही सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, डंपर कांड हुआ, उसके बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड होते चले। नागौर जिले के संखवास पंचायत के देवनाड़ा तालाब के पास में एक प्रसिद्ध सती माता का मंदिर है। उस मंदिर परिसर में पिछले 4 वर्षों में 500 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 350 के लगभग पेड़ पौधे पनपकर बड़े हो चुके हैं। विशेष बात यह है कि इन पेड़ पौधों की पिछले श्रीमान तिलोकराम इनानिया अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, समय समय पर उनकी निराई गुड़ाई करते हैं, समय समय पर उनको पानी पिलाना उनकी
तारबंदी करना तथा अनावश्यक खरपतवार को नष्ट करना सहित अनेक सेवा कार्य करते हैं। विशेष बात ये है कि तिलोक राम जी एनानिया प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर परिसर में लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। देवनगर रोड स्थित सती माता मंदिर परिसर में लगाए गए पेड़ पौधों में बरगद, पीपल, नीम, मीठा नीम, अशोक, सहजन, शीशम, आंवला, बेलपत्र, आमल पत्र, नींबू, शहतूत, अमरूद, गुलर, गुंदा, पत्थर, चट्ठा, मोगरा, चमेली, रोहिड़ा, इमली, कैरुंदा, अश्वगंधा, अड़ूसा, ग्वारपाठा, तुलसी, मरवा सहित अनेक औषधि पौधे लगाए गए हैं। जो पौधे लगाए गए हैं वो 4 साल पहले शुरुआत की गई थी। इस पौधों में हाथ की मेहनत और रात दिन उपस्थित रहने वाले लोग राम जी नानिया है, इन्होंने कम से कम 400-500 पौधे लगे, कुछ नष्ट हो गए गर्मी के कारण, और फिर भी आज भी 400 पौधे करीब खड़े हैं, जिसमें हर तरह के पौधे हैं, बरगद, पीपल, नीम, करंज और भी जड़ी बूटियों के जो भी है, अशोक जड़ी बूटियाँ भी है, हर तरह के इन्होंने पादप लगे हैं, वो औषधीय पौधे लगे हैं। इसमें शंकुवास है, 1 किलोमीटर दूर देवनाडा में सती माता का मंदिर है, जहाँ पर जन सहयोग से करीबन 350 वृक्ष लगाए, उनके सभी भगत आए गए देखभाल करते हैं, पानी पिलाते हैं, निराई गुड़ाई का काम करते हैं, दही की दवाई पिलाते हैं, और गांव वालों की बहुत आस्था है, सती माता का बहुत भारी पर्चा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सोमवार को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के सहयोग से व्यापक पैमाने पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे का रोपण सुठालिया थाना स्थित परिसर में किया गया। इसी उपरांत थाना प्रभारी व स्टाफ के द्वारा परिसर को स्वच्छ व सुचारू रूप से व्यवस्थित भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ व सुंदर वातावरण मिले, इसी संकल्प के साथ सुटालिया थाना प्रभारी, नगर वासियों, पत्रकार ओम प्रकाश कुशवाहा, पत्रकार सिंह सोलंकी, पत्रकार बीके तिवारी, मुकेश नामदेव, नगर वासियों और थाने में पौधारोपण किया गया। इसी संकल्प के साथ हम सभी ने मिलकर पौधारोपण किया तथा आगे भी निरंतर पौधारोपण किए जाने हेतु संकल्पित है। पौधारोपण के उपरांत नगर वासियों और थाना प्रभारी व उनका समस्त स्टाफ मौजूद रहा। राघोगढ़ में आज कामकाजी बैठक मनीष गार्डन रुठियाई में रखी गई है, जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष सपना साहू, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती पिस्ता ओझा, श्रीमती संध्या राज सिंह लोधी, श्रीमती अर्चना जादौन, श्रीमती सरोज जादौन, पूजा सुरेश, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने सभी को संबोधित किया। किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कल्याणपुरी गोस्वामी का संबोधित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई गईं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की उपलब्धियां भी बताई गईं। मीटिंग बहुत सार्थक रही। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लाडली बहना योजना के लाभ एवं फॉर्म की जानकारी संदर्भ में मीटिंग में बात रखी गई। जो बैठक रखी गई है मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर, हमने आज बैठक रखी है कामकाजी बैठक। हर घर से लगभग एक आरएसएस से मात्र शक्ति दुर्गा वाहिनी से महिलाएं जुड़ रही हैं, जो 35 वर्ष से ऊपर की हैं वो दुर्गा वाहिनी में हैं और उससे छोटी मात्र शक्ति उसमें संगठन में हम लगातार जोड़ रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।